में बात करने वाले हैं कि जो कुशल युवा कार्यक्रम मतलब केवाईपी में जो इस बार का एग्जाम होने वाला है वह किस बैच का एग्जाम होने वाला है, जो लोग पहले से फेल हो चुके हैं उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, सबकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का, जिसे हम लोग BSDM कहते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाने के बाद इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर ब्लॉग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी KYP से जो भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आता रहता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जो आपका 2 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, अपकमिंग KYP फाइनल एग्जाम नोटिफिकेशन 16 एंड 19 सितंबर 2022 एग्जाम फॉर KYP SDC, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो सेम प्रोसेस, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपकमिंग KYP फाइनल एग्जाम शेड्यूल 16 एंड 19 सितंबर 2022। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं कि हर एक बार का नोटिफिकेशन सेम ऐसा ही आता है, आपको कभी भी देखना होगा आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। तो यहाँ तक आ जाने के बाद दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रेश एग्जाम होगा तो किसका होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि फ्रेश अटेम्प्ट बैच, जो कि फ्रेश एग्जाम होगा 3 महीना के बाद, तो वो आपका जून बैच का फ्रेश एग्जाम होने वाला है, पहली बार एग्जाम होने वाला है। अब अगर सेकेंड बार में किसका होगा यह देखना है, जो लोग कि पहले से फेल है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड अटेम्प्ट बैच डिटेल्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मई 2022, मतलब कि मई 2022 में जो लोग फेल हो गए हैं अगर एग्जाम देने भर एलिजिबल नहीं हुए थे तो उनका एग्जाम 16 से 19 सितंबर तक होने वाला है। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ लिखा है थर्ड अटेम्प्ट बैच डिटेल्स, मतलब कि जो तीसरा चांस जो इनका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे अप्रैल 2022 बैच का लास्ट एग्जाम होने वाला है। तो अगर जो लोग की अगर अप्रैल बैच से होंगे तो वह इनका अंतिम एग्जाम है, इसके बाद उनका एग्जाम नहीं होगा, वह हमेशा के लिए KYP को छोड़ देंगे, फिर से री एडमिशन करवाएंगे। जो जो लोग भी हैं तो कम से कम अपने कोर्स को पूरा कर लें। अब देखिए यहाँ पे जो लोग मई में अगर एक बार फेल हो गए हैं, अगर दोबारा एग्जाम उनका होगा तो उनका भी 16 तारीख को एग्जाम होगा, वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट इन SDC लॉगिन में आपका 22 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे नीचे करते हैं, आप दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम ड्यूरेशन एंड कंपलसेशन टाइम ऑफ ए लर्नर, तो मतलब कि जो इनका एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, जो समय होगा, वह आपका यहाँ पे जो 3 कोर्स होते हैं BSCIT में, आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, आप 30 मिनट में बना करके अपनी इच्छा अनुसार उसे एंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे CLS की बात कर लेंगे तो CLS में आपका यहाँ पे 40 मिनट का समय देता है, तो 20 मिनट में बना करके आप फिर सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं CSS का, तो यहाँ पे आपको 20 मिनट का समय मिलता है, जिसे कि 10 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कि आपको टोटल समय 1-2 घंटे का मिलता है, आप 1 घंटा बना करके उसे आप सबमिट कर सकते हैं, अगर आपका सब क्वेश्चन बन जाता है तब, नहीं तो फिर 2 घंटे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम एलिजिबल होने के लिए कितना मार्क्स लाना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा है न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम नवंबर 2022 बैच के अनुसार, यहाँ पे है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 8 इंटरनल मार्क्स इन क्लासरूम, मतलब कि आपको कम से कम 8 नंबर क्लासरूम में आपको लाना होगा, और यहाँ पे 36 मार्क्स लिखा हुआ है जो कि आपका लैब रूम, मतलब कि आपको 36 नंबर आपको लैब में लाना होगा। अब देखिए उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 मार्क्स इन KYP फाइनल एग्जाम, मतलब कि जो आपका अंतिम एग्जाम होगा उसमें आपको 8 नंबर लाना कंपलसरी है, अगर उससे कम लाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। तो यह था कुछ इसका नोटिफिकेशन जो आपको हम समझा चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेंडेंस मेकिंग ऑन ईरा इट इज मैंडेटरी टू मार्क
अटेंडेंस ऑन एरा फ्रेमवर्क बिफोर द एग्जाम एज विदाउट अटेंडेंस एग्जाम विल नॉट बी स्टार्ट, मतलब कि आपका बिना फिंगर का आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। तो यह था टोटल जानकारी। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए कुछ और नोटिफिकेशन आया हुआ, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ KYP एंड BSCFA बुक एंड कैंडिडेट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगर आपको इसके भी रिगार्डिंग अगर जानकारी चाहिए कि जो आपका बुक मिल रहा है वो किसे मिल रहा है, कब मिलेगा, इसका PDF क्या है, कैसे बुक लाना है, तो इसके बारे में आपको हम समझा देंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा जानकारी के लिए। तो अभी तो जरूर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और एग्जाम मिस ना करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। तो टाटा, वंदे मातरम।